हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं ये एक मैक्रम का मोबाइल फ़ोन का कवर है। इसके लिए हमने जो मैक्रम का ये थ्रेड लिया है ये सिल्क थ्रेड है। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है नॉर्मल मैक्रम थ्रेड से, बट इसका जो लस्टर और शाइन आप जैसे देख रहे होंगे वो अच्छी होती है। हमने यहाँ पर मोबाइल कवर जो बनाना शुरू किया है इसके लिए 10 कॉर्ड्स लिए हैं, वो भी हमने ढाई ढाई मीटर के कॉर्ड्स काटे हैं। 10 कॉर्ड्स ढाई ढाई मीटर के लेके एक ऐसे ही बेसिक बेस के तौर पे एक इतना छोटा सा जितना भी हमें लगा उतना बड़ा एक धागा काटा, और उसके बाद उसमें 10 ऐसे करके देखे कैसे लगाए, ऐसे डाला अपना धागा और फिर इस ढंग से निकालना। इस तरह से हमने 10 कॉर्ड्स ऐसे लगा लिए हैं अपने जो मेन थ्रेड है उसमें। ये देख रहे होंगे आप, यहाँ पे 10 थ्रेड्स हैं। जब एक बार 10 थ्रेड्स में लग जाते हैं उसके बाद हम यहाँ पर हेड नॉट या स्क्वायर नॉट जो होती है उस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले जैसे दो हमारा पेयर ले लेते हैं, 10 में से मतलब 5 पेयर बनेंगे हमारे, उसको हम सबसे पहले बिनते हैं जैसे कि हम नॉर्मल स्क्वायर नॉट्स बिनते हैं इस तरह से। ये वेरी कर सकती है इसकी लंबाई और फ़ोन का के साइज़ के हिसाब से जो हमारे कॉर्ड की लंबाई है ये चेंज हो सकती है, पर नॉर्मली जो नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन्स आते हैं उसके लिए हमें ये ढाई जो मीटर हमने कट किया है ये सफिशियंट है। ये देखिए इस तरह से हमने स्क्वायर नॉट बना लिया है। ये देखिए स्क्वायर नॉट हम पूरे में इसी ढंग से बना लेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, अभी हमने आपको बताया कि हमने यहाँ पर 10 कॉर्ड्स लगाए हैं, ये मेरे से गलती हो गई। यहाँ पर हमने 16 कॉर्ड्स लगा रहे हैं। 16 कॉर्ड्स जो है वो मेरे फ़ोन के लिए इनफ है। आप अपने फ़ोन के हिसाब से बढ़ा घटा सकते हैं, पर 16 कॉर्ड्स जो है वो हमारे जो नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं उनके लिए पर्याप्त होती है। क्योंकि ये वाला जो मैक्रम का सिल्क वाला धागा होता है ये थोड़ा सा पतला होता है, इसलिए हमें ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने पूरे में ये ऊपर वाले में हेड नॉट बना दी है। इसी तरह हेड नॉट बनाते हुए हम नीचे तक जाएंगे, लगभग 2 अंगुल तक हम इसमें हेड नॉट बनाएंगे। ये 2 अंगुल तक हेड नॉट इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो हमारे मोबाइल का बंद करने वाला हिस्सा है वो इस जगह से शुरू होगा। मेन डिज़ाइन हमारी जो है वो ये 2 अंगुल के नीचे से शुरू होगी। ये देखिए 2 अंगुल हमने पूरे में बिन लिया है स्क्वायर नॉट। उसके बाद यहाँ पर हम मेन ये जो ये हम आप देख रहे होंगे ये डिज़ाइन कैसे बनेगी अभी बताते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, जैसे 2 स्क्वायर नॉट लेते हैं। एक आप ये स्क्वायर नॉट देख रहे होंगे, इसके ये 4 थ्रेड्स ये हैं और ये इससे पहले वाले स्क्वायर नॉट के। इस एक स्क्वायर नॉट का जो लास्ट वाला ये थ्रेड है इसके ऊपर हम बिनते हैं पहले वाले स्क्वायर नॉट के धागे। 3 धागे हम बिनेंगे, 1, 2 और ये लास्ट का तीसरा धागा। 3 धागे हमने बिन लिए, इस तरह से तिरछी रेखा आने लगी। अब जैसे हमने इस वाले का अभी आपने देखा कि ये वाले धागे में से एक लेके हमने बिना है, ये देखिए इस तरह से ये दिख रहे होंगे आपको। ये एक यहाँ धागा ले चला गया है और इस वाले स्क्वायर नॉट के ये 3 धागे बचे हुए हैं। ये इस स्क्वायर नॉट में से ये 3 धागे बचे हुए हैं। अब अगली स्क्वायर नॉट का जो लास्ट धागा है वो हम ले लेंगे और ये जो बचे हुए 3 धागे हैं ये भी फिर से इसी ऊपर बिन लेंगे।
और ये वाला तीसरा। ये एक और तिरछी रेखा बन गई। अब इसको हम इस तरफ कर देंगे तो आप देखेंगे जिस स्क्वायर नॉट का लास्ट वाला लिया था उसमें से ये तीन धागे बचे हैं। फिर अगला स्क्वायर नॉट का कोने वाला ले लेंगे और यही तीन धागे भी लेंगे। ये देखिए ये तिरछी तिरछी ऐसे रेखाएं बन रही हैं। अभी हम आपको पास से दिखा रहे हैं। ये देखिए ऐसे ये तिरछी रेखाएं बन रही हैं। अभी हमने यहाँ इस वाली स्क्वायर नॉट का धागा लिया था, ये तीन इसमें से बचे हुए हैं। अब अगली स्क्वायर नॉट का ये लास्ट वाला धागा हम लेंगे और ये तीन जो बचे हुए हैं इसे हम बिनेंगे। ये धागा बिना, ये दूसरा धागा बिनने जा रहे हैं हम। बहुत ही स्लोली बना रहे हैं जिससे कि आपको पता रहे कि हम क्या कर रहे हैं, और इतने पास से इसीलिए हमने दिखा रहे हैं कि आपको पूरी तरह से सब समझ में आ जाए। ये देखिए इस तरह से ये हुआ। अब देखिए ये हम इधर कर देंगे। अब यहाँ पर ये तीन धागे इस स्क्वायर नॉट के दिख रहे हैं। इस लास्ट वाले स्क्वायर नॉट का ये लास्ट धागा लेंगे और ये तीन धागे बिन गए। ये तिरछी रेखाएं आपको आराम से दिख रही होंगी। अब ये जो ये लास्ट वाला बचा है इसके ऊपर बिनने के लिए तो कुछ है नहीं, तो इसे हम अभी ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम यहाँ से फिर से अगली रो शुरू करते हैं। तो जैसे ये तिरछी रेखा है इस वाले धागे को तो हम अलग कर लेते हैं। अभी जो ये तिरछी रेखा है इस ये दो धागे छोड़ देंगे और ये वाला जो धागा है हमारा, ये वाला सेकेंड नंबर पे जो हमने लपेटा था, इसको अब हम इस डायरेक्शन में घुमाएंगे और इसके ऊपर बिनेंगे एक दो और ये तीन। ये तीन धागे हम इसके ऊपर बिनेंगे। कैसे बिनेंगे दिखा रहे हैं। एक बिन गया, ये दूसरा बिन गया और ये लास्ट वाला तीसरा भी बिन गया। इस तरह से ये तीसरा धागा बिन गया और जो स्ट्रक्चर बनी वो आपको आराम से दिख रही है। उसके बाद फिर ये अगला, ये हमारा जो सेकेंड नंबर का धागा था ये वाला, इस पे बिनेंगे। कौन कौन से धागे बिनेंगे? पहला धागा ये बिनेंगे, दूसरा ये बिनेंगे और तीसरा ये वाला धागा मिलेंगे। ठीक है, ये हमने लिया ये वाला धागा। सबसे पहले ये वाला धागा बिनेंगे हम। फिर ये वाला धागा बिनेंगे, और लास्ट में ये वाला धागा बिनेंगे। एक बार अगर आपके मन में बैठ जाएगा ये डिजाइन तो फिर आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें अभी देखिएगा जब ये बन के तैयार होगा बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर बनेगा। ये
इस तरह से आप देख रहे होंगे, अब इस डायरेक्शन में हमारी ये चल रही है। फिर बताते हैं कि ये वाले धागे पर, इस वाले धागे पर ये और यहाँ इसका पहला ये बिना जाएंगे और पूरे में हम इस तरह से जाएंगे। इसी तरह से हम पूरे जितनी लंबाई हमें चाहिए है उतनी लंबाई बिनते जाएंगे और हमारा लास्ट का हिस्सा जो बंद करने का होता है वो किस तरह से बनेगा उसके बाद हम वो बताएंगे। देखिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा डिज़ाइन बनता है। एक बार हम फिर से बताना चाहेंगे कि फ़ोन के हिसाब से आपकी ये लेंथ घट बढ़ सकती है तो वो आप देख लीजिएगा, वरना नॉर्मली कोई भी फ़ोन हो उसके लिए जो हमने बताया है कि 2.5 मीटर के ये धागे होंगे और 16 ये कॉर्ड होगी, ये इनफ होगा। इसी तरह से हम आगे बिनते हुए जाएंगे।
सेम उसी ढंग से हमें जितनी बड़ी अपनी फ़ोन की लंबाई के हिसाब से रखना था, जैसे डबल करके मोबाइल पे आ जाए, ऐसे ही हम इतना बिनते हुए आ गए हैं यहाँ तक। अब यहाँ पर हमें जो फ्लैप होता है बंद करने के लिए वो बनाना है, उसके लिए क्या करना है वो हम आपको अब बताते हैं। हमने इसे यहाँ पर फिक्स कर लिया है, उसके बाद साइड का एक थ्रेड लेकर हम यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे, यूँ देखिए एक ये बना दिया, फिर अगली के साथ भी ऐसे ही बनाएंगे। और कहीं अगर सपोज आपका धागा छोटा या बड़ा हो जाता है तो आराम से आप लाइटर या मोमबत्ती की मदद से दोनों सिरों को चिपका कर उन्हें बड़ा कर सकती हैं। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, अगर आपके मोबाइल पे छोटा बड़ा बनेगा तो आप उसको उसी हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। ये देखिए हम इस तरह से ये एक लाइन बनाएंगे जिससे डिस्टिंग कर पाए हम कि कौन कितना पर्स का हिस्सा है और कितना हमारे फ्लैप का हिस्सा है। जब भी हम कोई मोटिव ख़त्म करते हैं तो इस तरह की लाइन जनरली डाल देते हैं। ये इस तरह से पूरे में ये लाइन हम बनाएंगे। बनाने में भी आप देख रहे होंगे आसान है, हम ये एक थ्रेड लिए हुए हैं, दूसरा थ्रेड नीचे से उठाते हैं, इसके ऊपर से ले जाकर एक फंदे में ऐसे डाल देते हैं, उसके बाद फिर से ऐसे ले जाते हैं और यहाँ से फिर निकाल लेते हैं। सभी थ्रेड्स के साथ हम ऐसे ही करेंगे, बहुत आसानी से ये चीज़ हो जाती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो कहीं तो आप मेरे फेसबुक के पेज या ग्रुप में हमसे कर सकते हैं, या स्पेशली कोई चीज़ आपको बनवानी है तो आप वहाँ पर हमें रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। आपकी रिक्वेस्ट पे ज़रूर हम ध्यान देंगे और वीडियो बनाएंगे। इसी तरह से हम ये लाइन पूरी यहाँ तक बनाएंगे। अब ये लाइन बन जाने के बाद हम इधर से एक थ्रेड लेके इसके ऊपर 3 बार 3 थ्रेड बनाएंगे, एक थ्रेड, दो थ्रेड और तीसरा। जो लाइन रखेंगे वो थोड़ी सी स्लांट रखेंगे, तिरछी रखेंगे। 3 बन गए। अब अगले धागे को उठाएंगे, उस पे 3 बुनेंगे, एक, दो और ये 3। थोड़ी तिरछी लाइन के साथ ही करेंगे ये। ये देखिए सारी लाइनें हम तिरछी बना रहे हैं। फिर अगला लेंगे, उस पे भी 3 लाइन बनाएंगे, इस तरह से सभी धागों पे हम बनाते जा रहे हैं तिरछी लाइनें। पूरे यहाँ तक ऐसे ही करेंगे। पूरे में ऐसी तिरछी लाइनें बनाने के बाद ये जो 2 थ्रेड इधर साइड के ही ने हम छोड़ देंगे और तीसरे थ्रेड पे फिर से जैसे हम ऊपर बिन रहे थे वैसे ही बिनेंगे, एक बिन लिया, दूसरा ये वाला तिरछा वाला होगा, 2 बिन दिया और ये तीसरा। फिर ये लाइन ऐसी बनी। अब यहाँ पर हम लेंगे बीच वाला ये और इस पे ये वाला बिनेंगे, एक बिन लिया, फिर ये बीच वाला, जैसे ऊपर बिनते थे ये वाला हिस्सा वैसे ही सेम हम कर रहे हैं, और यहाँ पर
फिर ये वाला धागा उठाया और ये वाले धागा बिना। हम धीरे धीरे करके कुछ कुछ धागे छोड़ते जाएंगे और हमारा बंद करने का फ्लैप बन जाएगा। ये हो गया, अब ये वाला धागा यहाँ बिनेंगे हम। डिज़ाइन से डिज़ाइन मैच कराना ज़रूरी था, इसलिए हमने यहाँ पर भी यही डिज़ाइन ऊपर वाली ही डाल रहे हैं। ये अब फिर ये उठाएंगे और ऐसे ही पूरा में बनाएंगे। ये देखिए सेकेंड रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। फर्स्ट रो में हमने दोनों साइड से दो दो छोड़े थे, अब इस रो में फिर से हम दोनों साइड से दो दो छोड़ देंगे। ये देखिए, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे और हमारी जो डायरेक्शन होगी वो ये देखिएगा, ये ऐसे, इस तरह जो दो दो छोड़ते जा रहे हैं, लास्ट में हम यहाँ पर बीट्स लगाएंगे। बीट्स आप अपने पसंद के कोई भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पे रेड कलर के बीट्स यूज करेंगे, छोटे वाले। जो भी चीज़ आपकी समझ ना आ रही हो, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी डिटेल्स देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये करके फिर ये दोनों लेके जाएंगे। इसी तरह से धीरे धीरे हम दो दो छोड़ते जाएंगे साइडों से और अपना ये लास्ट में एंड कर देंगे। डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है और मोबाइल पर्स में ये बहुत ही सुंदर भी लगने वाली। इस तरह से दोनों तरफ से दो दो करते हुए दो बार में चार हमने छोड़ दिए हैं। ये अब फिर इस डायरेक्शन में जाएंगे, सबसे पहले दो इधर के छोड़ देंगे। यहाँ के तो हम चार पहले ही छोड़ चुके हैं, ये चार छोड़ चुके हैं, इधर के दो और। इसी तरह से हम लोग एंड तक ऐसे एक स्लोप बना लेंगे। ये देखिए, हमने ये तिकोना स्ट्रक्चर उसी तरह तैयार कर लिया है। फिर हम इधर साइड का एक धागा लेकर हम पूरे में एक लाइन बनाएंगे। जैसे यहाँ ऊपर लाइन बनाइए, वैसे ही यहाँ पर दोनों तरफ से तिकोनी लाइन्स बनाएंगे। इसके लिए वैसे ही स्टाइल हम लोग अपनाएंगे, एक एक डोरा पकड़ के। ये इससे जिससे ये सिक्योर हो जाए हमारी ये एंड, इस तरह से पूरे में ऐसे ही दोनों ही साइड से ये लाइन बना के हम आएंगे। ये देखिए, हमने ये इस तरह से वी आकार बना लिया है। अब ये छोटे छोटे से हमने मैक्रम के बीट्स लिए हैं, रेड कलर के हम लेने जा रहे हैं। बीच वाला ये जो दो थ्रेड्स हमें मिल रहे हैं, हम सबसे पहले इन दोनों थ्रेड में होते हुए अपना ये मैक्रम वाला बीट डालेंगे। इस तरह से बीट बीच में डालकर यहाँ पर एक हम गांठ लगा देंगे। ये गांठ बाद में हम गरम करके चिपका देंगे, वो भी दिखाते हैं। ऐसे हमने ये गांठ लगा दी, ये उसके बाद हम ये जो है हमारा धागा, इसे नीचे से काट देंगे थोड़ा सा छोड़ के, और फिर
इसे हल्का सा गरम कर देंगे और चिपका देंगे, जिससे कि हमारा ये मोती भी सिक्योर हो जाए। इस तरह पूरे में हम इसी तरह से जैसे हमने ये वीट लगाया है पूरे में हम लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने पूरे में मोती लगा लिए हैं। ये इस तरह से कुछ हमारा पर्स बनके तैयार हुआ है। हमने मोड़ के ऐसे इसे फिट कर दिया है। अब एक बड़ा सूजा, अगर आपके पास ये सूजा नहीं है तो आराम से आप हाथ से भी कर सकते हैं, कुछ करना नहीं है। बस एक बार इस तरफ को हमें इंसर्ट करनी है अपनी सुई को, या आप हाथ से भी आराम से इसे इंसर्ट कर सकते हैं। एक बार इधर से लेना है, इस तरह से दोनों साइड हमें सिल लेनी है। जब दोनों साइड हमारी ये सिल जाएंगी तो पर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हम वेलक्रो लगा देंगे और यहाँ वेलक्रो को चिपका देंगे। इस तरह से हमारा ये मोबाइल पाउच रेडी हो जाएगा। अभी हम आपको पूरा सिल के दिखाते हैं। अगर आपको वेलक्रो अवेलेबल नहीं है तो आप छोटे छोटे बटन्स भी लगा सकती हैं, चुटपुट बटन्स जो आते हैं वो। इस तरह से पूरा हम नीचे तक सिलेंगे। ये देखिए हमने दोनों साइड सिल लिए हैं और सुई से धागा अंदर की तरफ से निकाल दिया है। ये धागा हमारा अंदर सिलने के बाद आ गया है। हम इसे पलट के ये धागा काट करके सिल दें, वो चिपका देंगे यहीं पे ही गर्म करके। देखिए इस जगह पे हमारा धागा है, लास्ट में इस जगह सिल दिया है। अच्छे से थोड़ा सा हम खींच लेंगे। और हम यहाँ से ये डोरा काट ले रहेंगे अपने दोनों साइड से। हम ऐसे ही सिलते हैं, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा करके काट दिया और फिर हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा इसे गरम करके ऐसे चिपका दिया। इसी तरह से दोनों साइड में हम करके ये हमारा पर्स लगभग पूरा हो गया है। पर्स या मोबाइल पाउच कहिए, ये पूरा होके इस तरह से दिख रहा है। बस वेलक्रो की कमी है। इस तरह से ये पर्स रेडी हो जाने के बाद हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। उसके लिए हमने ये 3 मीटर का थ्रेड काट लिया है। इसके बाद इसको किसी भी एक साइड पे लेके जाएंगे। यहाँ पे आपको 2 होल दिख रहे हैं, कोई भी 2 होल आप यूज़ कर सकते हैं उसमें से ऐसे। और दूसरे होल में हमारा जो दूसरा वाला हैंड वो इस ढंग से डाल देंगे। इस तरह से ये अब कैसे बिनेंगे वो हम बताने जा रहे हैं। उसके लिए बीचों बीच से हमने ये डाल लिया है, ये देखिए। उसके बाद सबसे पहले एक थ्रेड को हाथ में पकड़ेंगे, इसे हम बंद ही कर लेते हैं। इधर से ऐसे फंदा बनेंगे, फिर इस तरफ से एक फंदा बनाएंगे। क्योंकि मोबाइल पर्स बहुत वेटेड होता नहीं है, फिर इधर से बनाएंगे तो ज़्यादा उसके लिए हम मोटी नहीं बना रहे हैं टांगने के लिए। यू फिर इधर से, फिर अब इधर से, फिर इधर से। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी ये रोप सी बनेगी। एक बार इधर से करते करते बहुत मोटा खराब लगता है अगर हम अपने मोबाइल के कवर के साथ लगाएंगे, तो इसलिए ये हमें सही डिज़ाइन लगा।
ये देखिए इस तरह से हम पूरे में अपना बेल्ट बनाते हुए चले जाएंगे। बहुत ही इजी है, कोई इसमें दिक्कत की बात है ही नहीं। बस ये ध्यान रखना है आपने, अब इधर से लगाइए तो अगली नॉट इस तरफ से हमें लगानी होगी, फिर इधर से फिर लगाएंगे पूरी रो ऐसे ही 3 मीटर तक हम बिन के, और लास्ट में कैसा करना है वो भी हम बताएंगे आपको। ये देखिए इस तरह से बनेगा। ये देखिए जितनी बड़ी हमें अपनी ये डोरी बनानी थी, बहुत ही देखने में खूबसूरत लगती है, वो हमने बना ली है। फिर इसे यहाँ साइड के कोई भी 2 होल ले लेते हैं, एक डोरी एक होल में इंसर्ट करते हैं और दूसरी डोरी दूसरे होल में इंसर्ट करते हैं। यहाँ का ले लेते हैं, ये होल ले लेते हैं यहाँ। थोड़ा सा स्ट्रांगली आपको ये अटैच करना होगा, तो कोई भी 2 होल आप यूज़ कर सकते हैं। अब लेने के बाद यहाँ पे हम लगाएंगे नॉट। ये लग गई हमारी नॉट। नॉट लग जाने के बाद हम फिर इसे यहाँ पर थोड़ा छोटा काट लेंगे पहले, ये हल्का सा हमने इसे छोटा काट लिया, और उसके बाद इसे यहाँ पर बर्न करके अटैच कर देंगे। ये बर्न करके अटैच कर दिया, ये कस के पहले गांठ लगा लेंगे। गांठ लगने के बाद ये यहाँ पे ऐसे बर्न किया, और सिंपल बर्न करने के बाद ये अपने आप जहाँ भी टच करेंगे ये आराम से टच हो जा स्टिक हो जाती है। ये इस तरह से हमारी ये बेल्ट हो गई। अब लास्ट में ये वेलक्रो है, ये वेलक्रो आराम से सब जगह मिल जाता है। हम किसी भी स्ट्रॉन्ग ग्लू की मदद से पहले इसे आपस में चिपका देंगे, फिर इधर वो ग्लू लगा के उस पर यूँ प्रेस करके इसके ऊपर ग्लू लगा के यूँ बंद कर देंगे, तो ये हमारा मोबाइल होल्डर कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये बन के पूरा तैयार है। अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए।